सोलन के सिली रोड पर रहने वाली नेपाली मूल की महिला ने कल देर शाम पुलिस थाने में आकर अपने पति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें महिला ने आरोप लगाते हुए बयान दिया है कि उसके पति ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ कुकृत्य किया है, जिसकी जानकारी उसे बेटी ने दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोलन अस्पताल में बच्ची का मेडिकल करवा लिया है, साथ ही बच्ची को अदालत में पेश कर बयान दर्ज करवाएंगे। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जिससे उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने कहा कि पिछले कल देर शाम सदर थाना में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया है। अदालत से आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कल एक कंप्लेंट सदर थाना में प्राप्त हुई, जिसमें विनोद कुमार के व्यक्ति जो शूलनी मंदिर चौक बाजार के निवासी हैं, मूलतः ये नेपाली हैं, पारिवारिक कंप्लेंट थी जिसमें इनके अगेंस्ट कुछ सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करते हुए सेक्शन 376 506 आईपीसी और पॉक्सो सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनको आज कोर्ट में पेश किया गया। इनका 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। जहां तक बच्ची की बात है, उनका मेडिकल करवाया गया है और उनके जज साहिबा के सामने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई गई है।